नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग हमारे बारे में क्या सोचते और समझते हैं, और हमारी ग्रोथ को देखकर उनको जलन सी होती है। तो आज इनका एक चैनल है रियल इंटरटेनमेंट टीवी, उसमें हम चलिए देखते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। हाँ। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको लास्ट वन ईयर टू ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा, इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलोची कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, पठान कर रहे हैं। बांग्लादेश की आप बात करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गया। अच्छा, वो बाहर गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए। जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुक से निकल आएगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इदारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं कश्मीर के नाम पे। जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं, हमें साइड से ये मामला है, वहाँ से ये मामला है। ठीक है, अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब एक आम आदमी से रजे हमारी मैं कहता हूँ, एक आम आदमी जिसके चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, उसे अगर ये पूछा जाए, उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देंगे? रोटी चाहिए, सारी बात है, उसने अपने बच्चों आप बताएं। अगर लेट्स सपोज कोई आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? वो गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे? वो यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो, बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना। सबसे पहले तो हमने बीइंग कौम बेईमान और बेगैरत हो गए, सॉरी सर ऐसी बेगैरत नहीं, चले बेईमान कह लें। देखें अब बेगैरत वैसे हार्ड हार्श वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए, मगर है तो सच। एक बेरोजगार कश्मीर का कोई बेटा, उससे कोई बोले कि आपने कश्मीर आपको चाहिए या पाकिस्तान साइड आना है या अलहदा होना है या इंडिया साइड जाना है, और वो दूसरी साइड पे डेवलपमेंट भी देख रहा है, तो क्या जवाब देगा? तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान के साथ खास तौर पर कश्मीर के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, ना ही उनकी रवायत है जंग करना या अटैक करना, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग खुद ये डिमांड करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ जा मिलना है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, अभी एक दो दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसी इंडिया के साथ पांच साल हमने कश्मीर के नाम पर ट्रेड बंद रखी, आज क्या हम कश्मीर देने के लिए रेडी हो चुके हैं? हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक इसके ऊपर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे, और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि अपना पेट पालना जरूरी है, अपने लाहौर को देखना जरूरी है, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज या दुनिया के दूसरे कंट्रीज के एरियाज में जाके इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद राहिल कियानी। क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो चीजें हैं, एक तो मुझे बताएं हम दुनिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, खास तौर पे अपने नेबर ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पे क्या IMF से जो हम पैसे लेते हैं उससे हमारा गुजारा होता जाएगा? क्या हमारे आम पब्लिक की जो मुश्किल है वो कम होगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्जा लेंगे उसके ऊपर फिर सूद बढ़ जाएगा, वो देंगे। ठीक है, मसला ये है ही नहीं, 80% आवाम को तो IMF को पता ही नहीं है। बस ये पता है कि अमेरिका से पैसे लेते हैं, कर्जा हमारे नाम पे ले रहे हैं, जो कि हमने वापस नहीं करना, जिसने लिया करना पड़ना है सर। नहीं, हमने थोड़ा ही लिया है, वो आप ये कह रहे हैं ना, लेट्स बोल मैं भी कह रहे तो मैंने नहीं वापस करना, लेकिन हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स तो हम नहीं देते। सीरियस नोट ये है कि हम उसके अल्टरनेटिव जो है रास्ते निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल देते हैं कि ये जो आपका गवर्नर हाउस है, ये इतने बड़े GORs हैं, इतने इतने दो दो तीन तीन कनाल के घर हैं, वो आप सेल कर दें, ठीक है, उनको फ्लैट्स दें, उनको प्राइवेट घर उनके पास दें, उनको सैलरी मिलती है, हाउस रेंट मिलता है, वो अपने घर लें, ठीक है। और इवन अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं, दो दो कनाल की कोठियाँ गवर्नमेंट ऑफिस को दी हुई हैं, वो सेल कर दें,
चार चार पाँच पाँच करोड़ की आठ आठ करोड़ की कोठी बिकेगी आपका धंधा उतर जाएगा। लेकिन ये है कि ये तो ऑलरेडी हम करते नजर आ रहे हैं, हमने स्टील मिल को गिरवी रखा, हमने इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें, रेलवे की बात करें, वो हमने जो सा वो गिरवी रखा, इसके अलावा हम अगर पीआई की बात करें, उसके बहुत से जहाज प्राइवेट कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए। आपको लगता है कि इससे हल हो जाएगा? नहीं, इससे कोई हल नहीं होना, वो दूसरों को दे देंगे। वही आप देखें, अगर आप किसी इदारे को प्राइवेट करते हैं वो फायदे में चला जाता है। इट्स मीन के वो मसला वहाँ पर नहीं है, मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैनेजमेंट का। हम वो चला ही नहीं सकते, सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि सिफारिश कल्चर है, रिश्वत हो रही है। आप छोटा सा एक बिजनेस करके देख लें, 80 महक में आ जाएंगे आपके पास कि हमें जी पैसे दें कि हमें आप ये दें, ये सफाई का दें, इसका दें, उसका दें, बिजनेस मैन तो भाग जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। फिर टैक्स वाले आ जाएंगे, टैक्स दें, तो बिजनेस तो है ही नहीं ना। और ऐसी सूरत हाल में हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है जी इंडिया का, हमने मुकाबला करना है जी अपना दुनिया के दूसरे कंट्रीज का, लेकिन वहाँ पे जब हम बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो खासतौर पे फैसिलिटीज दी जाती हैं वो देखें तो बड़ा फर्क नजर आता है। सिंपल आप देखें, जो गैस के और बिजली के रेट है, तो हम एक छोटी सी जो प्रोडक्ट बनाना चाहें उसके कॉस्ट इतनी है, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया से। ठीक है, चाइना से नहीं कम्पीट कर सकते, इंडिया से नहीं कम्पीट कर सकते। इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हर चीज की, बसें, गाड़ियां, जहाज, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हम किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग? सर, मैंने यूएई का मेरा एक विजिट था छोटा सा, वहां पे देखा बाइक्स मेड इन इंडिया, बस जो मेड इन इंडिया, मैं तो देख के हैरान हुआ। ये चीजें हमारा मीडिया क्यों नहीं बताता कि यार हम जिससे मुकाबले की बात करते हैं वो दुनिया को चीजें प्रोवाइड कर रहा है, और हम और बड़ी बात सर, इंडिया से यूएई पानी जाने वाला है, बदले में वो तेल लेंगे, ऑयल लेंगे और वहां से पानी जाएगा, ये क्या हैरत। अब देखें कि हमारी सिचुएशन जो है, हमारे नेबर्स देखें, ईरान, उसके साथ बात चल रही है, अफगानिस्तान के साथ बात चल रही है, इंडिया के साथ बात चल रही है, अंदर मुल्क के अंदर वॉर चल रही है, ठीक है, हर तरफ से पॉलिटिकली भी वॉर है। तो वो जब तक हालात ठीक नहीं होंगे ट्रेड तो के साथ, और ऐसी सूरत हाल में जब चारों तरफ चाइना भी इतना कुछ खास खुश नहीं आजकल हमसे, ये जो अंदर की मतलब खबरें हैं, मैं भी मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं हमने कश्मीर लेना है, ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आप उसके ऊपर बल्कि मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, ना ये हमारी रवायत है कि जंग करना, कब हम किसी के ऊपर अटैक करें, ये पाकिस्तान साइड कश्मीर एक टाइम आएगा खुद कहेगा कि हमने इंडिया से कह रहे। देखिए, और कश्मीर में जो उनका ट्रेन सिस्टम अब ब्रिज बना रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा, इंडियन में बुलेट ट्रेन बना ली है, इवन कि आप छोटी सी बात है, आप किसी के घर में खाना देना शुरू कर दें, उनको नौकरियां दे दें कश्मीरियों को, उनको उनका हक दे दें उनके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएंगे। हम लोग खामोश ही है ना, ठीक है, हम लोग भी समझे कश्मीरी ही है, हम लोग भी खामोश हो गए ना, अपना कमा के अपना खा ले बंदा, कोई ना तंग करे। खास तौर पे जॉब फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वहाँ पे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आप देखें साल दो साल बाद वहाँ पर वो तो मानते ही नहीं है कि वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान लड़ रहा है। उनका तो क्लेम ही नहीं है कि कश्मीरी हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बात ये साबित भी करते हैं। दिन वो चीजें जो पकड़ते हैं और नारेबाजी यहाँ से होती है वहाँ से, उस तरीके से हमें आपको लास्ट वन ईयर टू ईयर से कोई वहाँ से प्रोटेस्ट होता नजर आया? कोई भी नहीं कर रहा, इवन के आपके मुल्क में उससे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोची कर रहे हैं, पंजाबी कर रहे हैं, पठान कर रहे हैं। तो अपना पहले मुल्क संभाल लें और फिर उस देखें। बड़ी जबरदस्त बात की, और मुझे भी एज ए पाकिस्तानी इस चीज की तकलीफ होती है कि देखें मैं अगर बात कर रहा हूँ, आज वो 1980s का 1970s का दौर नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर 10 लोगों के सामने जो बात करूँ वो लोग मान लेंगे। आज इंटरनेट का दौर है, मैं इधर झूठ बोलूंगा, ये घर जाके चेक करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया पे चेक करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे आज कहते हैं जी इंडिया में कश्मीरी जुल्म, इंडिया वाले कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो देखेंगे G20 हो गई, वो देखेंगे वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन गया, वो देखेंगे सऊदीया वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर वो कहेंगे यार जुल्म तो यहां हो रहा है। यूएई उनके साथ मंदिर बना रहा है, यूएई वो यूएई की क्या पॉलिसी है, उन्होंने ज्यूश को भी जगह दे दी, उन्होंने इंडियंस को भी जगह दे दी सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, कि हमारे मुल्क में इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग से स्ट्रांग होती जाए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जंग, हर मुल्क से जंग कर दें, अफगान से जंग कर दें, बल्कि टेबल सोल्यूशन निकालने चाहिए, उनके साथ टेबल टॉक करना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने मसले हल करें, ट्रेड करें, बिजनेस करें, आवाम को भी फैसिलिटेट करें। पर इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी हमारी वीक नहीं आपको नजर आती? 5 साल ट्रेड बंद रखेंगे और बाद में कह देंगे जी हम ट्रेड खोल रहे हैं, और वो कश्मीर का काज तो फिर इसका मतलब है मजाक है। फॉरेन पॉलिसी मेरा तो ख्याल है ये
मिनिस्ट्री है सिर्फ, वो अपनी तनहाई लेती है, फॉरेन पॉलिसी तो कोई और बनाता है, ठीक है, और वहीं से आती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो उनको ज्यादा बेहतर वो अपने मुफाद में जो चीजें होती हैं वो। ठीक हो गया। लास्ट में सर ये बताइएगा, लेट्स सपोज जो एक बेरोजगार कश्मीरी होगा, पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ, एक बेरोजगार कश्मीर का कोई बेटा जॉबलेस होगा, डिग्री भी करेगा, लाहौर में आके पढ़ेगा भी, वापस जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी और ये सारी चीजें, उसे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, उससे कोई बोले कि आपने कश्मीर आपको चाहिए या पाकिस्तान साइड आना है या अलहदा होना है या इंडिया साइड जाना है, और वो दूसरी साइड पे डेवलपमेंट भी देख रहा है, तो क्या जवाब देगा? उसका जवाब यही होगा कि आप यहाँ पर अभी ऐलान करें कि जी मैं अमेरिका के वीजे दे रहा हूँ तो या चाइना के वीजे दे रहा हूँ तो कितने बंदे हैं, तो मेरे ख्याल में 90% बंदे कहेंगे जी हमें ले जाए, हमें ले जाए। तो ये यार लोगों को क्या चाहिए, लोगों को अपना फैसिलिटी चाहिए, आजादी चाहिए, वो अपने समझे कि हम अपना घर, जो घर पे राशन हो, खाना हो, तो सब हैप्पी है, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगे। ठीक हो गया। मोबाइल स्नैचिंग बढ़ेगी, आपके और क्राइम बढ़ेंगे जो कि बढ़ रहे हैं, बढ़ते नजर आ रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद नजर आती है लास्ट में? अभी तो कोई नहीं, नहीं मतलब अभी तो कोई नहीं, अभी नहीं तो कब, मतलब आपको क्या क्या ऐसा हो के बेहतर हो सकता है? कुछ जलन सी होती है क्या शुरू के, कोई बस वो मुश्किल है ये कि 50-60 साल बाद इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं शुरू के 50-60 साल, वैसे पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए हैं, इससे भी थोड़ा ज्यादा। हाँ बस अब थोड़ा ही रह गया टाइम, 50-60 साल हो रहा है, उसके बाद सब मसले खत्म हो जाएंगे। मसले खत्म हो जाएंगे या हम ही खत्म हो जाएंगे? जब हम खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे मसले सारे। ये बात तो तंजन कर रहे हैं लेकिन बड़ी मतलब बड़ी गहरी बात है कि यार और कितना, जब नेबर कंट्री जिससे हम लेता हुए आज वो कहाँ पे है? वो तो सर चांद पे पहुंच गए हैं, बांग्लादेश की तरफ पहुंच गए, बांग्लादेश जिसे हम टका एक, यानी हम उसमें करते हैं कि यार फलाने के टके की भी अहमियत है, 2 टके का इंसान है, 2 टके का इंसान है, आज हम 1 टके के भी नहीं रहे, आज हम 1 टके को भी नहीं कम्पीट कर पा रहे, तो वो जब हमें कहते थे कि यार फलाना 2 टके का इंसान है, अब वो अब ये बात उल्ट हो गई है, अब हम तारीफ करना चाहे ना किसी को, यार फलाना 2 टके का है, हमसे आगे हो और उल्टा वो कहेंगे ये तो 1 रुपए का इंसान नहीं, यार अब ये तो 1 रुपए का इंसान है। खैर ये चीजें बीच में नहीं लानी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए वो आगे कैसे के, हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। आज एक आम पाकिस्तानी से लाहौर में कोई, आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, आपको छोड़ के वैसे कोई बेरोजगार है, उसे बोले कि भाई तुम्हें ये 10 किलो आटे का थैला दे रहे हैं, वो लोग या कश्मीर लोग, ईमानदारी से बताइए वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा मुझे 5 किलो का थैला दे तो वो लूंगा कश्मीर को। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो हम ना बीइंग कॉम बेईमान और बेगैरत हो गए, सॉरी टू से, नहीं सर ऐसी बात, बेगैरत नहीं, चले बेईमान कह लें। देखिए अब बेगैरत वैसे हार्ड हार्श वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए, मगर है तो सच, हम हो गए हैं, ठीक है। देखिए हम अब यहाँ पे कोई बंदा किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा तो हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी जान छुड़ाएंगे, कल को वही काम हमारे साथ होगा। तो ये इवन अब तो चीजें ऐसी हैं कि हमने ये चीज नोट किया, लोग बोलते नहीं है, मतलब लेट्स सपोज इधर से मार्केट में आएंगे सर, आप बात करेंगे, ज्यादातर लोग ये कहते हैं नहीं नहीं क्यों हमें उठवाना है, और भाई आप पहले बात तो सुन लो, हम बात क्या कर रहे हैं, इसका इतना मतलब ये डर आ चुका है, बढ़ चुका है। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं सर, लास्ट में ये बताते हैं, इन्होंने तो बोला अभी फिलहाल उम्मीद नहीं नजर आ रही, आपने बोला 50-60 साल बाद बेहतर हो जाएगा, जब हम नहीं रहेंगे तब बेहतर होगा, या वैसे उन सीरियस नोट कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, देयर इज नो होप, क्योंकि हम कौम बन ही नहीं पा रहे जो हमारे लीडर्स ने सोचा था कि ये, मगर वो हम बन ही नहीं पा रहे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था गया था वो तो सब वेस्ट हो गया है, जाया हो गया है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया हम पे क्या मतलब किस नजर से हमें देख रहा होगा कि यार ये देखो ये हमसे लहता हुए थे? इंडिया बड़ा हैप्पी है, वो कह रहा है कि अब उसे जरूरत ही नहीं है अपना दफाई बजट बढ़ाने की, क्योंकि हम तो खुद ही मर रहे हैं, अपनी मौत आप मर रहे हैं, हम तो अपने साथ ही जंग कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं रहे, कब तक होगा, कब तक नहीं बोलेंगे, अल्टीमेटली हम खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें अपने हक के लिए भी बोलना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ सच के ऊपर भी रहना चाहिए, वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे साहब ने बोला कि वहाँ पे जॉब मिल रही है, वहाँ पे दुनिया का बड़ा रेलवे ब्रिज बना है, और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज वहाँ पे मौजूद है, क्या वही चीजें पाकिस्तान साइड कश्मीर में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान साइड कश्मीरी कोई डिमांड करेंगे तो वो गलत होगी? आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? बिलाल। आपका नाम सर? मुनीर इकबाल। क्या करते हैं? ये स्टॉल है हमारा कपड़ों का, जबरदस्त हो गया, बड़े अच्छे खूबसूरत डिजाइन है, आप क्या करते हैं? मेरा ज्वेलरी का काम है। ठीक है, ज्वेलरी भी दिखाइए। सबसे पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, ये आपका जो शॉप है, आपका स्टॉल है, कैसा चल रहा है?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, बेहतरीन है। जैसे ईद करीब आने वाली, आपको लगता है कि पिछले साल की नस्बत राशि ज्यादा है या कम है? मेरा ख्याल है कि इस बार तो बहुत ही गिरा हुआ काम है, लोग आ ही नहीं रहे। लास्ट ईयर गया है, उस वक्त बेहतरी थी, ठीक है, काम में कोई मतलब हम मसरूफ रहते थे। अब तो आपके सामने है मार्केट की सूरत हाल, दिखाएं जरा, कैमरा मैन दिखा सकते हैं मार्केट में। और ये लाहौर की मेन मार्केट है, कोई ये नहीं ब्लॉक मार्केट, एक अच्छी मार्केट है। उस हवाले से आपके सामने मार्केट की इस वक्त सूरत बिल्कुल डेड हो जाती है, 12-12.5 बजे हम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मुझे सर ये बताएं, क्या समझते हैं, एक तो ये कि इंडिया के साथ ट्रेड होने जा रही है, कश्मीर के नाम पे 5 साल पहले ट्रेड बंद रखी, अब इसहाक दार साहब ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ अच्छी बात है, ट्रेड होनी चाहिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया कि हम अब पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, हमारी ये रवायत नहीं है। हम जो उनसे एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान साइड कश्मीर खुद कश्मीरी कहेंगे कि हमने इंडिया साथ मिलना है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर ट्रेड के हवाले से? मेरे मुताबिक तो ट्रेड होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, उससे पाकिस्तान को भी फायदा है और इंडिया को भी फायदा है, ठीक है। ज्यादा फायदा किसको है? वो तो जो ट्रेड करेगा उसको फायदा होगा, ठीक है। जो चीज इस टाइम जो कंडीशन है वो पाकिस्तान को, आप इसके हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे, अगर ट्रेड होती है ज्यादा फायदा किसका? फायदा तो इंडिया का, हमारा फायदा नहीं है। किस हवाले से? मतलब इंडिया तो ऑलरेडी दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहा है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रात है हमारे मुल्क में, हम भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, ये चीजों को सही कर सकते हैं, लेकिन हमारे अगर हुक्मरान चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इनको चाहिए कि अपने मुल्क में अपनी चीजें सही करें, अपनी प्रोडक्शन करें। अगर हमने कश्मीर के लिए उनके साथ 5 साल ट्रेड नहीं की तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या मसला? लेकिन हालात इस रहे ना, इसहाक दार साहब ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन ताजर तबका ये कह रहा है कि ट्रेड होनी चाहिए। भाईजान ये लोग जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो आते हैं और आके अपना बयान दे के और इस तरह के काम करके निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। हम आवाम के लिए, हमारे के लिए कौन सोचता है, ठीक है। ये बताएं IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं, माहदा होने वाला खबरें ये है, क्या समझते हैं आपके मुश्किल में कमी आएगी IMF अगर पैसे देगा? ये मजीद इजाफा होगा तो, लेकिन मेरा ख्याल है की ये जो सिस्टम चलने जा रहा है ना, ठीक है 2-3 महीने तो गुजारा करता है, लेकिन उसके बाद जो आवाम पे ये बोझ पड़ता है ना इसका, वो बहुत खतरनाक। लेकिन हम तो साला साल से ये कर रहे हैं ना, मतलब ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, हम जब भी हर साल किस्त लेते हैं। आपके मुताबिक क्या कि साला साल से अगर ये काम हो रहा है तो हमें क्या कोई रिलीफ मिल रहा है कोई? मुश्किल में हम एट दी एंड हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हम बहुत परेशान है, ठीक हो गया, कोई हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ, आवाम रो रही है और शदीद रो रही है, ठीक है। जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो ऊपर जाया जा रहा है, पता नहीं क्या करने वाली है। जबकि दूसरे कंट्री, हम अगर बांग्लादेश की बात कर ले, आगे भाई बात करते, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, बेहतरी की तरफ चला गया, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है टेक्सटाइल, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए 10 साल के लिए टैक्स फ्री किया और 10 साल के लिए बिजली मुफ्त की है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, ठीक हो गया। और बहुत आगे, मैं कहता हूँ बहुत के साथ भी फेयर है, अपनी आवाम के साथ भी फेयर है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई, मैं तो बोलूंगा कि खामोशी इख्तियार कर ले बस, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल सूट, ये जो एक मतलब स्टॉल पे ये सूट है, इसकी क्या कीमत है? ये 25 का 3 पीस है, 3 पीस है, ठीक हो गया। और ये मेड इन पाकिस्तान है? मेड इन पाकिस्तान है। चले जबरदस्त, फिर तो अच्छी बात। सर आपकी जो ये ज्यादातर ज्वेलरी है मेड इन पाकिस्तान है या चाइना से आती है? ये मोस्टली तो चाइना की है, लेकिन ये है कि लोकल भी हमने रखी हुई है और कस्टमर उसको प्रेफर कम चाइना वाली को करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये क्वालिटी फाइन है, हमारे पास क्वालिटी जरा डाउन होती है, हल्की होती है। एक साइड पे हम कहते हैं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पहले नंबर पे प्रोडक्शन इतनी होती नहीं है, लेकिन जो होती है उसकी क्वालिटी उस तरीके से नहीं होती। एक तो क्वालिटी, एक फिर रेट, ठीक है, वो हमें हर चीज से बेनिफिट दे रहा है, रेट वाइज भी क्वालिटी वाइज भी, तो कस्टमर उधर मुतमिन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से तो मैंने सुना नेबर जो इंडिया वो बड़ा बेहतरीन है कॉस्मेटिक के हवाले से, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात है कि उससे भी कई गुना अच्छी जो क्वालिटी है वो चाइना की, ठीक है। और वो रेंज भी बड़ी बेनिफिट वाली है, मुनासिब रेंज है। हमारे यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादा से कोशिश होती है कि अब चाइना से मंगवा लें, किसी और मुल्क से मंगवा लें, उसमें हमारा नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान। वक्ती तौर पे तो होता है, हम फायदा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार खत्म होता जा रहा है, यानी क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। इनके लिए पाकिस्तानी आवाम के लिए सोचना चाहिए, ये सिर्फ सोचते हैं वो जो ज्यादा बड़े लोग हैं, जो मगरमच्छ हैं, जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं उनको सूलते देते हैं, उनके लिए सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये दरमियाना तकबा है इसके लिए कुछ भी नहीं सोचते। पहले बोलना है कि जो नॉर्मल आवाम है, गरीब आवाम है, वो डाउन हो रही है, जो अपर लेवल है वो ऊपर जा रहा है। अब एक आम आदमी, हमारी मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, रोजगार नहीं है, लास्ट ये क्वेश्चन है, उसे अगर ये पूछा जाए, उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली कि अगर रोटी चाहिए, जाहिर बात है, उसके उसने अपने बच्चों, डन बात है। आप बताएं अगर लेट्स सपोज कोई आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं,
कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? वो गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे? वो यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो, बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना, ठीक है पहले मेरा तो पेट भर दो, ठीक है। और यही चीजें हैं, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, हमें अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है, हमें अपनी सोसाइटी अपने पाकिस्तान को बेहतर करने की, यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब हम ये नारे वगैरह ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इन चीजों से थोड़ा आगे आगे बढ़ के प्रैक्टिकली कोई सोचेंगे। एग्री करते हैं सर? बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल एग्री है। मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफीक लियार मैं। और आपका नाम? शफीक अहमद। आपका नाम? अरशद खान नियाजी। मलक आजम। मलक आजम सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले पता करते क्या है बिजनेस क्या है? हम अपना बिजनेस करते हैं जी, प्राइवेट। प्राइवेट बिजनेस कैसा चल रहा है जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे हालात में बिजनेस ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है या नहीं बेहतर चल रहा है? हालात के मुताबिक असर तो हर फील्ड में पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि आजकल थोड़ा सा मामला में परेशान वाले हैं। अभी सागदार साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के साथ हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हमारे कारोबारी हजरात ये चाहते हैं। दूसरे नंबर पे चार साल हमने कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखी, चार पांच साल। क्या आपको लगता है कि अब कश्मीर उन्हें दे दिया है जिसकी वजह से ट्रेड हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं, या कश्मीर के ऊपर अब हमें इशू नहीं है? देखिए कुछ बातें होती हैं जो कैमरे के सामने होती हैं। अच्छा। कुछ बातें होती हैं जो कैमरास होती हैं। ठीक है, ये तो पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं ना। आपकी क्या राय है? पहला सवाल आपने किया कि आईएमएफ से कर्जा हम लेते हैं और उसका क्या होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बिल्कुल। तो बात ये कि कान आप इधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात तो एक होती है। कर्ज ले जाए, अब कर्ज लिया जाता है और उसको सूद की मद में हमें वापस करना पड़ता है। अच्छा। यानी अब एक अरब और कुछ पैसे पाकिस्तान को मिले हैं, एक अरब डॉलर समथिंग। हाँ हाँ। तो अब हमें वापस करना डेढ़ अरब दो महीने बाद, ठीक हो गया। कैसे वापस करेंगे? बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, और यहाँ पे लोगों को परेशान करके, जब लोग अपने बिल पे नहीं कर सकेंगे, अपने खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उनके ऊपर ही बोझ पड़ेगा। सर हम कर्जे वाली साइड पे क्यों आते हैं? तरफ आए जो दूसरा था, हमारे बहुत सारे मामला सेटल होने वाले हैं, ठीक है, वो कोई नहीं करता, शॉर्टकट के चक्कर में। और जो भी नई हुकूमत आती है वो अपना टाइम पूरा करते हैं, ठीक है। मसलन ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम चल रहा है, और 400 अरब का उसका बजट होता है हर साल, ठीक है, उसे भी बढ़ जाएगा शायद। तो 400 अरब में अगर आप देखें तो कितनी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी पाकिस्तान। जबरदस्त। ये मेरे दिल की बात की है कि भाई आप किसी को आटा दे रहे हो, किसी को राशन दे रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, बनाने से बेहतर है कि उनको कुछ सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर दें, ठीक हो गया, उनको मेशन सिखाएं कि वो अपने अपने पैसे इन्वेस्ट भी करें और कमाएं भी सही, ठीक है। कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम पहले, मतलब हमारी अपनी नहीं समझ आती, पांच साल एक कंट्री से हमने ट्रेड बंद रखी कश्मीर के नाम पे, अब हम कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करेंगे। या तो फिर इसके दो मतलब है ना, एक मतलब यह है कि हम कश्मीर के मामले में बिल्कुल नॉर्मल हो गए, ठीक है कश्मीर उनके हम मान गए हैं, ये चीज है। दूसरी ये है कि भाई हम मुनाफ़त कर रहे हैं। अब देखिये ना, मैंने पहले आपसे ये बात की है कि कुछ बातें होती हैं जो कि उन कैमराज होती हैं, कुछ कैमरे के सामने होती हैं, हालात कुछ हमें सामने जो नजर आ रहे होते हैं ना, वो कुछ और होते हैं, एक्चुअली मामला कुछ और होता है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन, कश्मीर के जो कश्मीर का इशू था, ठीक है, उस पे हमारी जो फौज थी वो इस मामले में थी कि कश्मीर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इवन जो फौज इस मामले में थी, फौज तो कश्मीर के नाम पे तो बजट ले रहे हैं आप, क्या मेरी बात हो जनाब, सुन ले कम्प्लीट होना। जी जी, जो जनरल साहब रिटायर हुए हैं पिछले दिनों में, ठीक है, बाजवा साहब, हाँ जी, वो इस मामले में नोबेल प्राइज लेने के उम्मीदवार थे, ठीक है, वो चाहते थे कि मुझे प्राइज मिले कि मैं कश्मीर इशू खत्म कर रहा हूँ। जबरदस्त। वो खत्म क्या करना था कि जो उनकी तरफ उधर रहेगा, जो हमारी तरफ हमें मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये मामला सॉल्व करके जो एक लाइन बनाई हुई है इसको खत्म करें, इशू को, ठीक हो गया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट को पता चला तो वहाँ पे इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई इमरान खान के साथ और वजारत खारजा के साथ, ठीक है, ये मसाइल पैदा हुए, तो फिर वो मामला रुक गया, ठीक, अनाउंसमेंट ना हो सकी, नहीं, उस वजह से ये इशू बना और ये गवर्नमेंट भी जाते रहे, ठीक हो गया। हाँ, गवर्नमेंट भी जाती रही, लेकिन हम ये कहते हैं हमने वो साइड कश्मीर लेना है। अब तो सूरत हाल ये है कि ये साइड का कश्मीर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने ये बोला है, हाँ उन्होंने ये बोला कि हमने जंग नहीं करनी पाकिस्तान, प्रॉपर उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग नहीं करनी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग खुद कहेंगे कि भाई हमने वो जंग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मामला में हमें जंग के माहौल में जाके छोड़ दिया है, ठीक है। बस जो पानी वहां से आता था, ठीक है, अब एक एक, एक दरिया पे 70-70 डैम बना दिए, अब वहाँ डैम भरेंगे, इतना पानी जमा होगा तो फिर आगे आएगा ना, ठीक है। तो हम क्यों नहीं डैम बनाते? हम कैसे बना सकते हैं कि जब एक 1960 का एक मुआहदा कर दिया सिंध का, उसके बाद इंडस वाटर टेरिटरी, हाँ,
उसके बाद तो इशू ही उनकी उनकी झोली में हमने डाल दी बॉल, वो जो मर्जी करें। लेकिन अब ये है कि कश्मीर के मामले में ये तो उनका स्टांस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने जब से आर्टिकल 370 हटाया वो कहते हैं हम, ये हमारा कोई इंटरनेशनल इशू नहीं, ये हमारा अपना इंटरनल मैटर है। इकोनॉमिकली जब वो इससे वीक कर देंगे ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यानी जो यहाँ के लोग होंगे वो चाहेंगे कि कोई और आके हमारे ऊपर गलबा ले ले और हमारी मैशत बेहतर हो, हमारे हालात बेहतर हो जाए। ठीक है, होना तो ऐसे ही है। अब देखिए ये अफगानिस्तान हमारे साथ है, जबरदस्त, वहाँ पे अभी भी डॉलर की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी उसका पैसा बेहतर है। वहाँ पे अब सारे काम हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ पे ट्रेन की पटरी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर वहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो वो देख लें किस तरफ जा रहा है, हम का हम वापस आ रहे हैं। सर एक चीज लास्ट में मुझे बताएं, मुझे ये समझ नहीं आती, पब्लिक से आप जैसे लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या वजह बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन तो इंडिया के साथ बेहतर, और अफगानिस्तान जिसकी आपने बात की वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ईरान कर रहा है, हम इस्लामिक कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, लेकिन हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे कश्मीर के नाम पे? क्या वजह है? सिर्फ कश्मीर इशू है या मकसद कुछ और है? इसलिए आप बांग्लादेश की आप बात करें तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गया। अच्छा, वो बाहर गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए। जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लु से निकल आएगा तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि दारा ये चाहता है कि भाई कश्मीर उन्हें दे दे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देखिए इसी नाम पे तो आज तक वो पैसे कमा रहे हैं कश्मीर के नाम पे, जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं, हमें साइड से ये मामला है, वहाँ से ये मामला है। ठीक है, अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फौज के पैसे कहाँ से मिलेंगे? और फिर या फिर ये सवाल आएगा कि भाई हम एक एटॉमिक पावर है तो हमें हाँ। फौज की जरूरत क्या है, मतलब एटॉमिक हाँ। पावर है तो बस ये खर्चा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आती है? IMF से हमारी जान छूट गई, रिलेशन हमारे नेबर्स के, कोई इस गवर्नमेंट जो भी बनी है ये तो है ही उनके तसल्लुत में IMF के, हाँ तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आ जाएगी। अलबत्ता हो सकता है इसके बाद कोई गवर्नमेंट आएगी तो कुछ अच्छा आ जाए तो वो कोई 8-10 साल में बेहतर करे। रिलेशन होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए इंडिया से, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, एज ए बिजनेसमैन आप ये सोच रखते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए मुल्क में? देखें जी, बहुत सारी चीजें वहाँ से अगर आती है तो यहाँ पे सस्ती मिलती है, आलू प्याज वहाँ से आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें आते नहीं है वहाँ से, इस तरह के कार्स वगैरह नहीं आएगी तो यहाँ पे हमें सस्ती मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक हो गया, तो वो आनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये देखें इनकी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं ओपनली ये कहता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, तल्लुकात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की वाहद ऑप्शन ही ये है कि हम नेबर्स के साथ बेहतर करें रिलेशन। और दूसरे नंबर पर हमारी जो फॉरन पॉलिसी है वो क्लियर ही नहीं नजर आती। एक साइड पे हम 4-5 साल कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखते हैं, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कश्मीर के मतलब इस इश्यू के ऊपर ये कहते हैं हम ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इंडिया भी अब डिसाइड करने की पोजीशन में है, यानी इंडिया ऐसा नहीं है कि हम जब दिल करेगा हम कहेंगे जी चलो जी इंडिया से ट्रेड कर लेते हैं, जब दिल करेगा आप वो, अगर वो ही कहते हैं कि हमने नहीं ट्रेड करना, वो तो करना चाहते हैं वो, मतलब बड़ा कंट्री है फिर भी क्यों करना चाहते हैं? अपनी चीजें उनके पास मैक्सिमम मकदार में हो जाती है कि उनका बेचना मुश्किल हो जाता है, इतनी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारे इधर प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे ज़राई मुल्क होने के नाते से यहाँ पे गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करते हैं, चावल इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्जियां में और टमाटर प्याज ईरान से ला रहे हैं, क्या हमारा ज़राई मुल्क है? इस्लाहत लानी चाहिए इस मुल्क में भी, बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा लगा बात करके, कुछ बातों से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ, आप इस वाले से जो ओपिनियन रखते हैं कमेंट में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अब एक आम आदमी, मैं कहता हूँ एक आम आदमी जिसके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं रोजगार नहीं है, लास्ट ये क्वेश्चन है उसे, अगर ये पूछा जाए उसे ये पूछा जाए आटा चाहिए बच्चों का पेट के लिए, रोटी चाहिए या आपको कश्मीर चाहिए, वो क्या जवाब देगा? रोटी चाहिए, जाहरी बात है उसके, उसने अपने बच्चों, डन बात है। आप बताएं अगर लेट्स सपोज कोई आपका तो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बेरोजगार है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे कहा जाए नहीं नहीं भूखे रहना है लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा आगे से? वो गाली तो नहीं, क्या कहेगा आगे? वो यही कहेगा जी पहले मुझे रोटी दे दो बाद में मुझे कश्मीर की तरफ लेके आना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने वीडियो को देखा और इंजॉय भी किया, तो आप लोग खुद ही देख लिए कि पाकिस्तान के लोग भारत से कितनी जलन रखते हैं। इसी के साथ वीडियो का सेशन बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।